सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करने वाले हैं, यानी आज हम टाइप 4 को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का फर्स्ट। ये है आपका 12 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है गया है इसमें कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, इसलिए जो टाइप फोर जो क्वेश्चन है आपका ये कंडीशनल आइडेंटिटीज पे है, ठीक है। तो टेन इनवर्स दिया गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इजिक्वल टू पाई बाई टू, यानी इन तीनों का सम पाई बाई टू के बराबर है। देन प्रूफ कीजिए कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इजिक्वल टू वन, यानी इन तीनों का सम वन होता है, यह प्रूफ करना है हमको। तो गिवन है, देखिए जो पहले इसमें क्या होता है कि जो गिवन रहता है उसको लिखा जाता है और जो गिवन डाटा रहता है उसी से आपको आंसर ले आना होता है, ठीक है। देखिए गिवन है आपका इतना, टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई प्लस टेन बस जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपका दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, देखिए टेन बस जेड जो है इसको अड़तीस साइड लगी है तो ये माइनस में आ गया है, अड़तीस साइड की ओर ले गए तो ये माइनस आ गया, ठीक है, माइनस में चेंज हो गया। देन आपका बचा इधर टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका फाइव बाई टू माइनस टेन बस जेड, ठीक है। तो अब देखिए ये टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई का फॉर्मूला जो होता है ऐड करने का, उसके हिसाब से हमने लिख दिया, यानी इसका एडिशन क्या होता है इतना होता है, ठीक है। और ये देखिए आपका फॉर्मूला मालूम होगा, टेन बस जेड प्लस कॉट इन बस जेड इजिकल टू होता है पाई बाई टू। तो यहाँ से आप अगर टेन बस जेड को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इन बस जेड इजिकल टू पाई बाई टू माइनस टेन बस जेड, यानी पाई बाई टू माइनस टेन बस जेड इजिकल टू हो जाएगा कॉट इन बस जेड, ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूला के हिसाब से। नाउ ये देखिए आप कॉट इन बस जेड इजिकल टू क्या होता है, टेन इन बस वन अपॉन जेड होता है, उससे हमने चेंज कर दिया इसको टेन में। आप फिर देखिए दोनों साइड टेन को हटाएं, टेन इनवर्स को हटाएं तो इधर बचा गया आपका एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इधर बचा वन अपॉन जेड। अब हम क्या किए हैं, कॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यानी इससे इसको और इससे इसको, तो देखिए इससे इसको किए हैं और वन को इसमें कर दिए हैं, फिर जेड से इसमें मल्टीप्लाई किए, देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका जेड एक्स प्लस जेड वाई इजिक्वल टू, ये बचा आपका वन माइनस एक्स वाई। अब माइनस जो है माइनस एक्स वाई इसको इस साइड लाइए एल एच एस साइड की ओर तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया तो देखिए आपका प्रूफ हो गया कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इजिक्वल टू वन, प्रूफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है आपका कि इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इजिक्वल टू पाई, देन प्रूफ डैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको कि अगर टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई प्लस टेन बस जेड इजिकल टू पाई हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जो होता है वो एक्स वाई जेड के बराबर होता है। नाउ देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया, देखिए दिया गया है गिवन टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई प्लस टेन बस जेड इजिकल टू पाई, देन क्या किया हमने टेन बस एक्स को अल्फा मान लिया, देन यहाँ से एक्स का ये टेन बस एक्स इधर आएगा हर चीज की ओर तो टेन अल्फा हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा पर टेन अल्फा, ठीक है, एक्स इजिकल टू टेन अल्फा। तो यहाँ से देखिए फिर टेन बस वाई को हमने बीटा माना है, देन ये टेन बस इस साइड आएगा तो टेन बीटा हो जाएगा इजिकल टू वाई, यानी टेन बीटा इजिकल टू वाई या वाई इजिकल टू टेन बीटा, ठीक है। और देखिए टेन बस जेड को गामा माना है तो ये हो जाएगा टेन गामा इजिकल टू जेड, ठीक है, या जेड इजिकल टू टेन गामा फिर कह सकते हैं। नाउ एल एच एस को देखिए, एल एच एस आप कही है ना टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई प्लस टेन बस जेड इजिकल टू पाई, तो हमने क्या किया टेन बस जेड को आर एच एस साइड की ओर ले गए तो ये माइनस हो गया, माइनस टेन बस जेड हो गया, ठीक है। अब वैल्यू रखा हमने टेन बस एक्स को क्या माना है, अल्फा माना है, देखिए तो अल्फा रख दिए और टेन बस वाई को बीटा, टेन बस वाई इजिकल टू बीटा माना है तो बीटा रख दिए इजिकल टू और टेन बस जेड को गामा, तो पाई माइनस गामा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या किए हैं कि दोनों साइड टेन लिए हैं, यानी टेन ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू यहाँ पर भी लिए हैं साइड भी टेन, इसको एक्सपेंड करते हैं टेन ए प्लस अल्फा प्लस बीटा पे और इसको भी एक्सपेंड करते हैं। आपको मालूम होगा टेन पाई माइनस गामा इजिकल टू होता है माइनस टेन गामा, या टेन पाई माइनस थीटा, इसको थीटा मानिए तो टेन पाई माइनस थीटा इजिकल टू माइनस टेन थीटा। तो देखते हैं आगे इसको एक्सपेंड करते हैं, टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, या टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा,
इज इक्वल टू 10 पाई माइनस गामा था, तो माइनस 10 गामा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या, अब वैल्यू पुट करें हम, 10 अल्फा क्या था, एक्स के बराबर था, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 10 अल्फा इज इक्वल टू एक्स और 10 बीटा इज इक्वल टू वाई और 10 गामा इज इक्वल टू जेड, ठीक है। यहाँ पर देख लिया आपने तीनों का वैल्यू, हम आउटपुट करते हैं तीनों का वैल्यू। 10 अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स पुट कर दिया, 10 बीटा इज इक्वल टू वाई, तो वाई पुट किया, 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा यानी एक्स इंटू वाई, ठीक है। और 10 गामा क्या है, जेड के बराबर था, जेड कर दिया, माइनस साइन था तो माइनस जेड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इससे, इसको 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 इससे, ठीक है। तो 1 से इससे होगा तो यही बचेगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, और ये इससे होगा यानी माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए इधर तो बचेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड, ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। माइनस जेड की साइड भेजिए तो प्लस आ जाएगा, और इधर बचेगा एक्स वाई जेड, जो कि आपको प्रूफ करना था, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, प्रूफ हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 13 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है का फर्स्ट है आपका, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन प्रूव डेट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सम पाई बाई टू हो, देन प्रूफ कीजिए कि एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप वीडियोज़ को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर से इसको रिक्वेस्ट को मानिए। ना हो तो देखिए क्वेश्चन 13 का फर्स्ट है ना, गिवन साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपका दिया हुआ है इतना, ठीक है। क्वेश्चन में आपका ये पार्ट दिया है, इसी पार्ट से हमको प्रूव करना है। तो देखिए साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन होता है आपका साइन बस एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है आपका, इन दोनों का सम इतना होता है, ये इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, इतना लिखा गया। अब हम क्या करते हैं, साइन बस एक्स को आर एच एस की साइड भेजते हैं, तो ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए आपका इधर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई यानी ये वो उधर हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन होता है, तो इक्वल टू वन प्रूव्ड हो गया। साइन 90 का वैल्यू वन होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, कितना प्रूफ कीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है इफ साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई प्लस साइन बस जेड इजिकल टू पाई, देन प्रूफ डेट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू टू एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी इन तीनों का सम पाई हो, याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल आइडेंटिटीज पे है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए गिवन है साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई प्लस साइन बस जेड इजिकल टू पाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए लेट साइन बस एक्स को ए माने, देन साइन ए साइन बस इस साइड आएगा तो साइन ए हो जाएगा, और बचेगा इस साइड एक्स, यानी साइन ए इजिकल टू एक्स, यानी साइन ए का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ से आप कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब साइन का वैल्यू आपको मालूम है तो कॉस का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, आपको बताया मैंने कैसे निकलता है, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार साइन वाई साइन बस वाई को हमने बी माना है, देन साइन बी इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ से आप कॉस बी का वैल्यू साइन बी का वैल्यू मालूम चल गया वाई है, तो कॉस बी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो आपका देखिए कॉस बी का वैल्यू ये निकल गया है, और साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी, देन साइन तो यहाँ पर साइन ई साइड आएगा तो साइन सी हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर जेड, तो साइन सी का वैल्यू इज इक्वल टू जेड, तो कॉस सी का वैल्यू निकल जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऐसे आपका जो गिवन है उस पर आइए, साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई प्लस साइन बस जेड इज इक्वल टू पाई, साइन बस एक्स को क्या माना है ए, तो ए लिख दिया,
इसको बी और इसको सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, नाउ हमने क्या किया है, इनका साइन 2a लिया है। ठीक है, ए का साइन 2a लिए, बी का भी साइन 2b और सी का साइन 2c। एक फॉर्मूला होता है कि जब ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल आइडेंटिटीज का है, यानी एक स्पेशल ट्रायंगल होता है उसी पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। यानी देखिए, जब तीनों यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि तीनों एंगल जो है उसका सम पाई आ रहा है, तो जब ये कंडीशन होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो होता है वो 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जो है सभी एंगल्स के लिए नहीं होता है, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज के लिए ही वेरीफाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, देन ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, नाउ देखिए साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कोस है। साइन 2x इज इक्वल टू क्या, साइन 2 sin x इंटू कोस है, तो इसी हिसाब से साइन 2a है तो यहाँ पे 2 sin a इंटू कोस ए होगा, साइन 2b है तो साइन 2 sin a 2 sin b इंटू कोस बी, और साइन 2c है तो 2 sin c इंटू कोस सी, ये 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज पे ही लागू होता है। नाउ आगे देखते हैं, फिर हमने क्या किया है, उन तीनों में से यानी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c में से, यानी देखिए इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तीनों में से 2 को कॉमन कर लिया तो बचता है क्या, देखिए तीनों में से 2 को कॉमन किया तो बचा आपका साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, इतना आपका बचा, तो देखिए 2 और 4 है तो यहाँ तो 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक है, यहाँ 2 से यानी इसमें हम डिवाइड देंगे तो बचेगा आपका 2 है ना, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ साइन ए इंटू कोस ए सबका वैल्यू पुट कीजिए, आपको वैल्यू मालूम है साइन ए का एक्स है और कोस ए का अंडर रूट 1 - x2। देखिए हम निकाले थे वैल्यू, ये देखिए आपका है सबका वैल्यू, साइन ए का वैल्यू एक्स और कोस ए का वैल्यू इतना, साइन बी का वाई तो कोस बी का इतना, साइन सी का जेड तो कोस सी का इतना। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए वैल्यू पुट किए हैं साइन ए का एक्स, कोस ए का अंडर रूट 1 - x2, साइन बी का वाई और कोस बी का अंडर रूट 1 - y2, और साइन सी का जेड और कोस सी का अंडर रूट 1 - z2। और इधर देखिए 2 sin a यानी साइन ए इक्वल टू एक्स, साइन बी वाई और साइन सी जेड, आपको प्रूफ हो गया इतना कि 2xyz के बराबर होगा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड जो कि आपका लास्ट है, एस्टेब्लिश द एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड इफ 10x 10y 10z आर इन ए पी एंड इफ फर्दर एक्स वाई जेड आर ऑल्सो इन ए पी, देन प्रूव डेट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। आपको जो है एक्स वाई और जेड के बीच एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करना है, जो कब, जब 10x 10y और 10z आपका ए पी में हो और एक्स वाई जेड जो भी है ये भी आपका ए पी में हो, देन प्रूफ कर देना है आपको कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, एंड एक्स वाई जेड के बीच जो रिलेशन है आपका ये है कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ कीजिए और वाई इज इक्वल टू जेड। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, देखिए गिवन है आपका 10x 10y 10z आर इन ए पी, ए पी में ये तीनों दिया हुआ है, देन और आपका क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड आर ऑल्सो इन ए पी, एक्स वाई जेड भी जो है वो भी ए पी में है, इतना लिख लिया हम। देन कॉमन डिफरेंस लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मालूम होगा, इसको इससे घटाइए या इसको इससे घटाइए, कॉमन डिफरेंस लिए तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, ठीक है इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, आप इसको फ्रेंड्स अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप इसको क्या करो माइनस साइन बाहर कर दो इन दोनों में से, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा,
यहाँ से भी माइनस साइन लो तो जेड माइनस वाई, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका इतना ही आएगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई, ठीक है। अब इस साइड ले जाओगे इसको तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई, समझ गए, माइनस वाई और प्लस वाई, तो ये साइड आएगा तो टू वाई हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो जेड प्लस एक्स हो जाएगा, तो जेड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई। तो अब क्या करो, इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, ठीक है, हमने फर्स्ट मान लिया है। और इसको देखिए क्या है, टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई, सॉरी टेन बस एक्स टेन बस वाई और टेन बस जेड आर ऑल्सो इन ए पी, इस हिसाब से क्या हो जाएगा देखिए, तो ए पी में है तो ये भी हो जाएगा टेन बस एक्स प्लस टेन बस जेड इजिकल टू टू टेन वाई, टू टेन बस वाई कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ए पी में है, तो टेन बस एक्स प्लस टेन बस जेड इजिकल टू टू टेन बस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, टेन बस एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड इजिकल टू टू टेन इनवर्स वाई इजिकल टू होता है इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या किए, दोनों ओर से टेन इनवर्स हटा दिए तो बचा आपका इधर एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड इजिकल टू, यहाँ बचा आपका टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। देन क्या किया देख लेते हैं, ये तो हो गया आपका, इतना हो गया आपका रिमूव। अब ये टेन बस को हटाया तो आपका इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस जेड इजिकल टू किसके बराबर है, एक्स प्लस जेड इजिकल टू बराबर है आपका टू वाई के, तो यहाँ पर टू वाई रख दिए हम, इसके जगह पर टू वाई लिख दिए, तो बचा अपॉन वन माइनस एक्स जेड इजिकल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका कट जाएगा, तो देखो बचेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स जेड इजिकल टू वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको 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 इससे, इधर आ जाएगा आपका, या कहिए तो उलट दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन माइनस एक्स जेड। अब क्या कीजिए देखिए, वन वन तक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस एक्स जेड, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड, इसको आप इक्वेशन टू मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से देखिए आपका क्या मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए आपका वाई का वैल्यू क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स प्लस जेड बाई टू आपका यह निकल जाएगा वाई का वैल्यू, इक्वेशन वन से एक्स प्लस जेड बाई टू इजिकल टू वाई, एंड इक्वेशन वन जो है आपका ये, यहाँ से आपका वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस जेड बाई टू हो जाएगा इजिकल टू वाई, यानी वाई इजिकल टू एक्स प्लस जेड अपॉन टू। तो देखिए वाई इजिकल टू वैल्यू निकाला हमने इक्वेशन वन से, तो एक्स प्लस जेड बाई टू इजिकल टू वाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखिए वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई फोर, ये तो टू का स्क्वायर हो जाएगा तो फोर। अब इक्वेशन थ्री मान लीजिए इसको, ठीक है। नाउ इक्वेशन, अब इक्वेशन कंपेयर करते हैं इक्वेशन टू और थ्री को, इक्वेशन टू एंड थ्री देखिए कंपेयर कीजिए। इक्वेशन आपका टू ये है और थ्री ये है, कंपेयरिंग करते हैं दोनों में, देखिए आपका एलएचएस दोनों में बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर करते हैं। देखिए बराबर किए हैं तो एक्स जेड इजिकल टू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई फोर, तो फोर इस साइड आ जाएगा तो फोर एक्स जेड हो जाएगा इजिकल टू, इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे कर दिए। अब देखिए फोर एक्स जेड यहाँ टू एक्स जेड, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस फोर एक्स जेड और प्लस टू एक्स जेड, यानी माइनस टू एक्स जेड हो जाएगा इजिकल टू जीरो, यहाँ तो जीरो बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड इजिकल टू जीरो, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस जेड इजिकल टू होल स्क्वायर का है, ठीक है, इसको एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है ये, तो नाम लिख दिया इजिकल टू जीरो, तो ये इसका स्क्वायर इस साइड हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस जेड इजिकल टू जीरो, तो एक्स इजिकल टू जेड, यानी एक्स जो है आपका जेड के बराबर है, ये इसको इक्वेशन फोर मान लीजिए, ठीक है। नाउ इक्वेशन और नाउ अब यहाँ पे आइए एक्स प्लस जेड इजिकल अपॉन वन माइनस एक्स जेड इजिकल टू क्या है, यहाँ पे है आपका देखिए, ये देखिए इसमें इक्वेशन आइए
एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू टू आई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ है ना, उसी इक्वेशन को यहाँ लिख दिए हैं हम। देखिए लिखे हैं, अब हम क्या किए हैं, इसमें जेड के जगह पे हमने एक्स पुट किया है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने तो ये इक्वेशन लिख दिया आपका ये वाला, अब देखिए एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है, टू आई के बराबर है अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे हुआ था, जेड इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टू आई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपका कट जाएगा यहाँ से, तो बचा आपका इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वन वन भी कैंसिल हो गया, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन फाइव हो गया। नाउ इक्वेशन फाइव फोर एंड फाइव से देखिए क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू जेड और एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स जेड के बराबर है और एक्स जो है वाई के भी बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव से हम देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड तीनों बराबर है, ये आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।